भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है, ये इंदर लोग की वीडियो है। दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने वाला चौकी इंचार्ज मनोज कुमार तोमर नमाजी के लात मारने के वीडियो वायरल से हुआ सस्पेंड। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब इंद्रलोक के चौकी इंचार्ज ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे युवकों के लात मारी। उस समय इंद्रलोक में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसको वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज जिसका नाम मनोज कुमार तोमर बताया जा रहा है, वह वीडियो में कैसे नमाज पढ़ते हुए युवक पर कैसे नफरत और क्रूरता से लात मारता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। यह क्रूरता की घटना सामने आने के बाद इलाके के लोग भड़क उठे और पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। बढ़ता हंगामा देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथों में कमान लेकर आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। वहीं DCP नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने कहा कि वायरल हुए वीडियो में जो चौकी प्रभारी दिख रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सबीना खान की न्यूज रिपोर्ट। जो सामने आई थी वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है, और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। लोकल लोगों के साथ हम मिलके ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ, अभी उनको समझाया जा रहा है, जितनी गैदरिंग थी वो अब काफ़ी कम हो गई है और जो अभी बचे हुए हैं उनको भी समझाया जा रहा है। थैंक यू। अभी अंडर कंट्रोल है। थैंक यू।